हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हमारे पास कुछ है नया जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर है S21 Ultra 5G Phantom Black। पीछे की तरफ आपको एक काफी प्रीमियम सी मैट फिनिश देखने के लिए मिलती है। बाकी अगर बात करें इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है। दूसरा कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, जो कि वाइड एंगल के लिए और ऑटो फोकस के लिए। नीचे वाला यह स्क्वायर कैमरा है 3x ऑप्टिकल जूम के लिए। और यहाँ पर जो कैमरा है वो है 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस के लिए। यहाँ पर है डुअल LED फ्लैश और नीचे है सैमसंग की ब्रांडिंग। बात करें अगर इसके फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट में आपको एक काफ़ी प्रीमियम सा लाइव वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी मस्त है। बाकी अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, तो वो तो इसमें काफ़ी अच्छी ही होगी क्योंकि इसकी प्राइस ही काफ़ी अच्छी है। बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि एक पंच होल है। बाकी अगर बात करें इसके कैमरा मोड के बारे में, तो कैमरा मोड में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर है फोटोज, सिंगल टेक, और फोटोज के अंदर आपको जूम इन के लिए 0.6 मतलब कि वाइड एंगल, 1.0 यानी कि नॉर्मल, 3.0, 10.0, 30.0 एंड 100.0। इसमें आप 100x तक जूम कर सकते हैं और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर बात करें और मोड्स की, तो वीडियो के अंदर भी आपको वही सारे मोड्स देखने के लिए मिलते हैं जूम इन के लिए। मोर के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर है एयर डूडल प्रो, पेनोरामा, फूड, नाइट, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट वीडियो, प्रो वीडियो, सुपर स्लो मोशन, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स और डायरेक्टर्स मोड। डायरेक्टर्स व्यू इस बार कुछ नया लेके आया है, जहाँ पर आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और बैक कैमरे में भी तीनों कैमराज एक साथ यूज़ कर सकते हैं, वाइड एंगल, 2x एंड 1x। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी है सैमसंग वालों ने इस पर। बाकी अगर बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन और One UI वर्जन की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलता है और One UI वर्जन 3.1 देखने के लिए मिलता है, और इसमें से आप 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ऐड कर रहा हूँ कुछ कैमरा सैंपल्स, जो कि मैंने इसी फ़ोन के कैमरा से क्लिक किए हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और 100x में भी क्लियरिटी काफ़ी सही आती है। बाकी अगर बात करें इसके रैम और इंटरनल स्टोरेज की, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बैटरी इंटर, इसमें आपको 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। बाकी अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, और इसके अंदर आपको सैमसंग का एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों US में और चाइना में इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 दिया और इंडिया में एक्जिनोस। बात करें अगर इसके ओवरऑल व्यू के बारे में, तो यहाँ पर है पावर ऑन ऑफ बटन और ऊपर यहाँ पर है वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की तरफ आपको दो माइक्स देखने के लिए मिलते हैं, इस तरफ बिल्कुल प्लेन है। नीचे की तरफ यहाँ पर है एक सिम ट्रे, जहाँ पर आप दो सिम या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस हाइब्रिड है। और उसी के साइड में है प्राइमरी माइक, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। बाकी अगर बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और HDR10+ सपोर्टेड। और इसकी साइज है तकरीबन 6.8 इंचेस,
और यहाँ पर फ्रंट में आपको 14 गोरिल्ला ग्लास 10 की सपोर्ट देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर आपको लाउड स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, और डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी अच्छी बनी है। बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको 1,05,999 रुपीज़ में मिलेगा, जहाँ पर इसका वेरिएंट है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो यही है कुछ इस फोन की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।